उन्नाव की घटना पर प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से ही सपाइयों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों के बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने पर सपा नेताओं ने राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज धरना भी दिया। सपाइयों के पुलिस से नोक झोंक भी हुई। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। सपा के वरिष्ठ नेता साबिया मोहसिन ने कहा कि आजकल केवल हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान पर बात होती है, देश और प्रदेश के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से हम लोग प्रदेश और पूरे प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं और हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तड़के हमें पता चला कि उन्नाव की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। हम लोग सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर विरोध कर रहे हैं और ये भी विरोध कर रहे हैं कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और रेपिस्टों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी हम लोगों का प्रोटेस्ट था क्योंकि जो हमारी बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्याएं की जा रही हैं उस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया था। रात में हम लोगों को पता चला, सुबह हम लोगों को पता चला कि हमारी उन्नाव वाली बेटी ने आखिरी सांस ले ली। हम लोग सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शायद ये सरकार के कानों पर जू रेंग जाए और उसको ये एहसास हो जाए कि बेटी बेटी होती है, वो किसी की भी बेटी हो। जो जघन्य अपराध उन्नाव वाली बेटी के साथ हुआ है, जमानत पे छूटने के बाद उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। हम लोग, अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, अगर कानून लागू नहीं किया गया, सख्त कानून, खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप रेपिस्टों पर, बलात्कारियों पर, हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करिए। जब आप कार्रवाई करेंगे तब ये डरेंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप करा रहे हैं बलात्कार, आप हत्याएं करा रहे हैं, लेकिन बदमाशों से खौफ हट चुका है। सब अपने अपने मगन है, कोई चिलम में मगन है, कोई किसी चीज में मगन है। अरे छोड़ो बाबा, या इलम चिलम छोड़ो, बच्चों को नौकरी दो, लड़कियों को न्याय दो, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, ये सब छोड़ दो।